पहले दिन 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने राम मंदिर में दर्शन और पूजन किया और आज दूसरा दिन है और ये तस्वीर देखिए जन्मभूमि पथ की तस्वीर है। लोगों की लंबी कतार सुबह से ही यहाँ पर देखने को मिल रही है, चूंकि सुबह 7 बजे से दर्शन शुरू हुआ है लेकिन सुबह 5 बजे से ही लोग यहाँ पर जुटने शुरू हो गए थे और बड़ी तादाद में इस वक्त आपको लोग यहाँ पर नजर आएंगे जो कतार में है और यहाँ पर मंदिर के अंदर जा रहे हैं दर्शन और पूजन के लिए। देखिए यहाँ से लेकर जन्मभूमि पथ से लेकर अगर बात करें तो ये जो आपको लंबी कतार दिख रही है आगे टेढ़ी बाजार तक तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी ये लाइन है और देखा जाए तो अब अभी सिर्फ कुछ ही समय हुआ है मंदिर का कपाट खुले हुए लेकिन भक्तों की भारी भीड़ इस वक्त यहाँ पर अयोध्या में देखी जा रही है। अगर पहले दिन की बात करें तो पहले दिन 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने यहाँ पर दर्शन पूजन किया। हालांकि पहले दिन चूंकि कुछ अव्यवस्था भी यहाँ पर देखी गई थी क्योंकि अचानक से बड़ी तादाद में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच गए थे जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ समय के लिए भगदड़ जैसी स्थिति भी हो गई थी जिसके बाद मंदिर में प्रवेश को रोक दिया गया था। लेकिन आज व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया है और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आज जो लोग हैं वो मंदिर के अंदर जा रहे हैं दर्शन और पूजन के लिए। देखा जाए तो देश के कोने कोने से इस वक्त लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और एक बड़ा जनसमूह कह सकते हैं कि इस वक्त अयोध्या की सड़कों पर उमड़ा हुआ है। हालांकि जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी लोगों को अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए खास बात यह है कि महिलाओं को यहाँ पर प्राथमिकता दी जा रही है। जो महिलाएँ यहाँ पर क्यू में हैं या जो लाइन में हैं कोशिश ये की जा रही है कि सबसे पहले उनको अंदर भेजा जाए दर्शन और पूजन के लिए क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा जो संख्या है जो तादाद है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ये देखिए श्रद्धालुओं की जो संख्या है कह सकते हैं कि जो रेला है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लोग चले जा रहे हैं और देखा जाए तो लाखों की तादाद में जो लोग हैं इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं और चूंकि दूर दूर से ये लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं लोगों की कोशिश है कि जल्द से जल्द वे भगवान राम के दरबार में पहुँचें और उनका दर्शन और पूजन कर सकें। देखिए आपकी नज़र जहाँ भी जाएगी इस वक्त ये संख्या है ये तादाद है लोगों की और माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो भक्तों की तादाद है और ज़्यादा बढ़ने वाली है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिस तरीके से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है और उसके बाद जो आस्था का जन सैलाब उमड़ा है वो आने वाले दिनों में ये संख्या और ज़्यादा बढ़ने वाली है। हालांकि प्रशासन की यही कोशिश है कि सब कुछ व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर सुनिश्चित किया जाए और यही वजह है कि कल आला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने भी सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर अयोध्या में एक महत्वपूर्ण बैठक की और उस बैठक में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। वीडियो जर्नलिस्ट सुमेंद्र कुमार के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, अयोध्या।